गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो गाइस इसमें हम अपना 3 प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने हॉस्टल पर आए हुए थे। तो सो गाइस आज मैं आपको अपने हॉस्टल की कुछ अलग से नज़ारे दिखाने वाले हैं। सो गाइस तो इसमें हमारे स्कूल पर एडमिशन के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं और इसके बाद न्यू बच्चों का एडमिशन होने वाला है और इसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी बहुत कम बच्चे हैं, इसलिए अभी एडमिशन की वो चल रहे हैं। बच्चे आपको कम दिखेंगे हॉस्टल पर हमारे, और मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे हॉस्टल के नज़ारे कुछ इस तरह से आपको दिख जाएंगे। काफ़ी कम बच्चे हैं सो फिर भी देख सकते हैं हम लोग तो एग्ज़ाम देने आए। तो एक केमिस्ट्री का हो गया है और 30 तारीख को मतलब कल आपका जो कि बायोलॉजी है और 1 तारीख को फिजिक्स, इसके बाद मेरी रैंक भी है। तो गाइस हम आपको दिखाते हैं मेरे कुछ प्लस से नज़ारे, तो चलते हैं और दिखाते हैं कि सुबह के 7 बज रहे हैं और धूप हो गया है और हम आपको दिखा दें बाहर की कुछ नज़ारे कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो हम आपको दिखाएँ तो बाहर कुछ इस तरह से नज़ारा दिखेगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से नज़ारा दिखेगा। सुबह 7:15 पर ही इतना ज़्यादा धूप हो गया है, बताइए आप कैसे बाहर निकलेगा। आपको दिखाते हैं कुछ नीचे मतलब नीचे का नज़ारा। बाहर निकलेंगे तो कुछ इस तरह से नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा बाहर का। सो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, सो इस तरह से आप देख सकते हैं और काफ़ी मतलब साफ सफाई हुई है और धूप भी हुआ है। सो इस समय अब रास्ते की घंटी लगने वाली है हम लोगों की। हाँ तो गाइस यहाँ पर हम लोगों का नाश्ता मिल रहा है, आप देख सकते हैं दादी बड़ा प्यार से लोग नाश्ता बना रही है। तो वहाँ पर रोटी बन रहा है, सब्जी बन रही है, यहाँ पर दादी दूध भी दे रही है लोग। बस कर रहे तो बात में चलते हैं कि जैसा कि बलवंत का सभी लोग नाश्ता छीन रहे हैं। खतरनाक तरीके से नाश्ता खा रहे हैं बलवंत भैया यहाँ पर और इधर दूध के साथ ब्रेड सो और यहाँ पटेल भाई साहब। तो आप देख सकते हैं हमारे दीदू भाई जिसमें नाश्ता कर रहे हैं और मीट माई फ्रेंड ललित जिन्हें लोग प्यार से नहीं बताएंगे। पटेल जी हैं जो बाकी दूसरों का नाश्ता छीकर खा रहे हैं और दीदू भाई अब यहाँ पर मामी बस गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप सब ऐसा प्रैक्टिकल देने के लिए खड़े हैं, प्रैक्टिकल का भी सिग्नेचर कराने के लिए। कुछ नहीं पड़े कुछ भी नहीं पड़े, बेचारे सब दिखा दो कि बस हम ही आए, मेरी फाइल बना के लाए हैं बस, देख लीजिए। तुम लोग अति बार खुल गल कीजिए भाई। अब हम हॉस्टल में आ गए हैं और आपको दिखाने वाले जो हमारी फाइल प्रैक्टिकल फाइल तैयार की गई है उसे आपको दिखाते हैं। सो इसमें हमारी 4-5 फाइल है और एक प्रोजेक्ट फाइल है, मतलब 4 टाइप से, मतलब एक जनरल फाइल है और एक पक्षी पर है और एक फाइल है और एक प्रोजेक्ट फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल। सो आपको दिखाते हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं यह बनाया गया है प्रोजेक्ट और जो कि यह बर्ड्स पर है और इधर से आप देख सकते हैं सभी पर बना दिए, मतलब 10 बर्ड्स पर बनाना था तो सो बना दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं और इसके बाद ये ख़त्म होता है, इसके बाद ये जनरल प्रोजेक्ट आ जाएगा। जनरल प्रोजेक्ट में आपका कीट परागण, जल परागण सभी इसमें हैं। ह्यूमेन का है कि मतलब ह्यूमेन रिप्रोडक्शन में क्या क्या होते हैं, 2 प्रोजेक्ट हो गए। इसके बाद ये है आपका हर्बेरियम फाइल, इसमें आपको मेडिसिनल प्लांट में तुलसी हो जाएगा, टर्मरिक, नीम हो जाएगा, इसके बाद एलोवेरा हो जाएगी, इसके बाद आपका हो जाएगा पुदीना और इसके बाद जीरोफिटिक प्लांट आ जाएगा, जीरोफिटिक मरुस्थली प्लांट, इसमें आपका आ जाएगा नागफनी और इसके बाद यह है आपका उसका है। कनेर है और इसके बाद इसका नाम मुझे क्लियर नहीं है,
इसका भी नहीं इतना क्लियर है, इसका भी नहीं। चार एजुरोफिटिक प्लांट हैं और चार मेडिसिनल प्लांट हैं। अभी ये खाली भी मैंने बनाया है और इसके बाद बायोलॉजी प्रैक्टिकल है, सो इसका हम लोग प्रैक्टिकल किए थे अपने स्कूल में। आप देख सकते हैं इधर से, यहाँ पर जल पे था, उसके बाद प्राकड़ का था, उसके बाद एक प्याज का था, तो प्याज वाला भी हमने नहीं बनाया है। सो वो मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, मतलब नहीं लग रहा था मुझे, तो उसे भी मैंने नहीं बनाया। उसके बाद ये फाइल ख़त्म होता है, चार फाइल है एक चार्ट। ये अपना प्रैक्टिकल दिखा दिया, उसके बाद मिलते हैं आपको लंच के बाद या लंच में, तो गाइस कल चलते हैं। उसके बाद थोड़ा सिग्नेचर विग्नेचर दिखाते हैं प्रैक्टिकल और सभी फाइलों का और चार्ट पर, गाइस चलते हैं। मिलते हैं आपको सीधे लंच में। ड्यूटी बंद है और यहाँ पर चावल सो आप देख सकते हैं कुछ तरह चावल, यहाँ पर अभी सब्जी दे रही है। अर्जुन फटाक से, अर्जुन फटाक से, आप देख सकते हैं खाना हॉस्टल का इस तरह से नॉर्मली खाना डेली बढ़ता है। वाह यार, जाओ जाओ, देख सकते हैं हमारे रूम का बंदा इधर, सब लोग खाना खाकर आ रहे हैं, बंदा जा रहा है खाना लेकर, इसके बाद सब लोग ऐसे ही जाते हैं अंदर खाना पूछता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे हैं बैठने के लिए, आराम से खाना खा सकते, आराम से खाना खा, आराम से सभी लोग इसे खाना खा रहे हैं। चल चल, उसके बाद यहाँ पर हमारे रूम का बंदा खा रहा है, खा रहे सभी बंदे मस्त से हॉस्टल में, एकदम टीवी वगैरह वगैरह सभी लगे हैं, और उधर पानी पीने की व्यवस्था दिखाएँ आपको। और बहुत से आदित्य यहाँ पर बहुत छक्का तरीके से खाना खा रहे हैं सभी लोग, आप इधर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर हम जा रहे हैं खाना खाने। तो गाइस आप देख सकते हैं जो कि हमारे हॉस्टल के अंदर का जो कि डाइनिंग हॉल है, इसमें सब खाना खाते हैं, और कभी मतलब क्रिकेट होता है तो उसमें मतलब क्रिकेट देखते हैं। और सो कि आप इसमें देख सकते हैं सभी बच्चे बहुत डेंस तरीके से खा रहे हैं खाना, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं सभी बच्चे मतलब कि एक सिंगल वाइज से मतलब अच्छे तरीके से बैठ कर खा रहे हैं, ये हमारे हॉस्टल के अंदर का है। तो गाइस हमारा यूट्यूब चैनल जो कि लेटेस्ट शॉर्ट वीडियो और ब्लॉग वीडियो का है, आप हमारे ब्लॉग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और आपको मिलते हैं हम एक नए और अगले वीडियो में, तो थैंक यू सो मच।